गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग में गिरिराज पर्वत के पास बसी आबादी को खाली कराने का निर्देश एनजीटी ने जिला प्रशासन को दिया है। गोवर्धन की परिक्रमा 21 किलोमीटर में फैली हुई है, जिसमें गिरिराज पर्वत और परिक्रमा के बीच बसी आबादी को अवैध माना जा रहा है, जिसके कारण सभी मकानों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी के अनुसार परिक्रमा मार्ग से गिरिराज पर्वत स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। परिक्रमा और पर्वत के बीच आने वाले सभी अतिक्रमण हटाए जाएं। एनजीटी के आदेश के अनुपालन में सोमवार को आन्योर और राधाकुंड क्षेत्र के अवैध अतिक्रमण हटाए गए। इस अभियान की जानकारी मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण के सचिव विजय कुमार ने दी। मार्ग है और गिरिराज पर्वत के बीच में दो कंस्ट्रक्शन जोन है जहाँ पर निर्माण हो रहा है, तो ऐसे जो भी निर्माण है उसमें नोटिस दिया जाता है, तो उनके ध्वस्तीकरण आदेश पारित होने के बाद मौके पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। ये जीतू बंसल आदि द्वारा निर्माण किया गया है। इस निर्माण का ध्वस्तीकरण आदेश पारित करने के उपरांत आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। इससे संबंधित प्रकरण माननीय है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल नई दिल्ली में भी लंबित है, जिनके द्वारा भी निर्देश पारित किए गए हैं। उसी के अनुक्रम में आज ये डेमोलिशन की कार्यवाही जारी है। ऐसे समस्त मामले जिसमें कोई भी निर्माण बिना अनुमति के किया गया है, लो कंस्ट्रक्शन जोन में किया गया है, उस पर हम लोग नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा साथ में फॉरेस्ट की, तहसील की सारी टीमें साथ साथ हैं। गाँव समाज या ऐसी आबादियों के जहाँ निर्माण है बिना अनुमति के, उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये एक गलत फहमी है कि ये एक प्रिलिमिनरी सर्वे गोवर्धन तहसील से कराया गया था कि जो पूरा परिक्रमा मार्ग है उसमें कितनी आबादी है, किन गांवों की क्या आबादी है, बस ये चिन्हांकन कराया गया था। अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि पूरे गांव खाली करा के, ध्वस्त करा के उनको कहीं अन्यत्र शिफ्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी मानचित्र यहाँ पर प्राधिकरण का मास्टर प्लान लागू होने के उपरांत जो भी निर्माण किए गए हैं बिना अनुमति के या गिरिराज जी की तलहटी में किए गए हैं, जो गिरिराज जी पर्वत के नाम या वन विभाग की भूमि में हैं, उनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई फिलहाल की जा रही है। एनजीटी में 21 फरवरी को अग्रिम सुनवाई होनी है, जिसमें जवाब दाखिल करने के उद्देश्य से गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर अवैध मकानों पर बुलडोजर चलाया गया है। 21 किलोमीटर के दायरे में हजारों की संख्या में मकान हैं और लाखों लोगों की जनसंख्या है। मतलब वन विभाग और विकास प्राधिकरण एनजीटी की आड़ में गैर कानूनी तरीके से बिना किसी नापतोल के, फर्जी नापतोल के, जो अपनी मर्जी से फर्जी नापतोल के एनजीटी की आड़ में जबरदस्ती गांव को उजाड़ना चाहते हैं। हमारी ये मांग है कि पहले सब गांव वालों को एकत्रित बैठा करके संतुष्ट करें कि ये मैं क्या विषय है, जो यहाँ से सैकड़ों साल पहले गई गई पीढ़ियाँ बदल गई, इतने धरोहर है, हमारे मंदिर तक को यहाँ नहीं छोड़ा जा रहा है। औरंगजेब का काम एक तरीके से ये वन विभाग यहाँ कर रहा है, कम से कम पता तो चले कि ये आपका यहाँ अधिकार है या नहीं है। कोई मकान मेरा मान लो मकान है, तो मुझे ये पता तो चले कि मेरा मकान अवैध तरीके से वन विभाग की भूमि पर बना हुआ, मुझे जानकारी नहीं है, जबकि मेरे पास कागज हैं, सब कुछ है, मेरी कई कई पीढ़ियां यहाँ बीत गई। इस तरह का पूरा गांव को उजाड़ते हुए चले जा रहे हैं। पहले हम ये चाहते हैं सब लोग गांव के एक दोनों टीम हों और अच्छी तरीके से गांव को संतुष्ट करके इनको बताया जाए कि हम ये काम यहाँ करने जा रहे हैं, इतना हम करने जा रहे हैं। किसी को, उनको भी नुकसान नहीं हो, हमको भी नहीं हो, अगर आप किया तो आप ले सकते हो,